हेलो गाइज, आज की इस वाली वीडियो में हम बताएंगे आपको कि आप अपने एक नॉर्मल सी बोरिंग सी फ़ोटो में कैसे डाल सकते हैं DSLR ब्लर, वो भी बिल्कुल सिंपल तरीके से। स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं, तो पूरा आप लोगों को मज़ा आने वाला है। तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए इस वाली वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। कर लेना हुआ और ओपन करने के बाद सिंपली आप लोगों को इस प्लस वाली आइकन पर क्लिक कर देना होगा। और प्लस वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको जिस भी फ़ोटो को जो है DSLR जैसा बनाना है, तो सिंपली यहां से उस फ़ोटो को हम लोग ले लेंगे। और सिंपली गाइज, इस वाली फ़ोटो को लेने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना। साइड में आपको तीन ऑप्शन मिल जाएंगे। सबसे पहले आप बीच वाले ऑप्शन को, पेंसिल वाला जो ऑप्शन है, सिंपली हम लोग इस पेंसिल पर क्लिक कर देंगे। और पेंसिल पर क्लिक करते ही आपके सामने ढेरों सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो सिंपली आपको ऐसे नीचे चले आना है, और नीचे आने के बाद आप लोगों के सामने एक लेंस ब्लर का ऑप्शन मिल जाएगा। तो सिंपली हम लोग इस लेंस ब्लर वाली ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। और क्लिक करने के बाद नीचे साइड में आपको थ्री ऑप्शन मिल जाएंगे। तो सिंपली हम लोग इस वाली ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। और क्लिक करने के बाद कुछ इसे पंच करके कुछ इस टाइप से इसे छोटा करेंगे, और सीधे ऐसे कुछ इस टाइप से नीचे लेकर चले आएँगे। और नीचे लेकर आने के बाद आपको थर्ड वाले ऑप्शन में इसकी पूरी हम लोग ओपेसिटी को माइनस कर देंगे। देन गाइज, इसकी ब्लर रेशियो को हम लोग 30 कर सकते हैं या 35, अराउंड आप 40 के नीचे ही रखिएगा, तभी काफ़ी सही से ये काम करेगा। तो मैं इसे 30 रख लेता हूँ। और 30 रखने के बाद सिंपली हम लोगों को क्या करना है, 35 रखने के बाद सिंपली यहाँ से हम लोग राइट पे क्लिक कर देंगे। और राइट पे क्लिक करने के बाद आपको ऊपर साइड में एक क्रॉस तीर का आइकन मिल जाएगा। तो सिंपली हम लोग इस वाली ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको व्यू एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे। लेंस ब्लर पे क्लिक करके यहाँ से हम लोग ब्रश को ले लेंगे। देन गाइस, ब्रश को लेने के बाद आपको इस यहाँ से साइज आपका 100 हो जाएगा। और 100 होने के बाद सिंपली अपने बैकग्राउंड पर कुछ इस टाइप से आप लोगों को चलाना है। और चलाने के बाद आप लोग देखेंगे कि कितना गजब का आपका जो है बैकग्राउंड ब्लर हो जाएगा, और भी बिल्कुल सिंपल तरीके से। और फ़ोटो को आपको फुल जूम कर लेना है, और जूम करके कुछ इस टाइप से आपको ऐसे इरेज करना है जैसे कि मैं कर रहा हूँ। कुछ इस टाइप से मैं जल्दी जल्दी से कर लेता हूँ इरेज बैकग्राउंड को। आप लोग आराम से करिएगा, काफ़ी अच्छा होगा, और DSLR जैसा आपका जो है फ़ोटो बन जाएगा। देन गज, आपको इस टाइप से इरेज करने के बाद सिंपली यहाँ से आपको राइट पे क्लिक कर देना होगा। राइट पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ से आपको वो नीचे से बैक हो जाना है। और बैक हो जाने के बाद आपका जो है बैकग्राउंड जो देख सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से ब्लर हो चुका है। और क्या करना है, यहाँ पे कुछ मैं रिटचिंग कर देता हूँ। आप लोगों ने थंबल में देखा होगा कि बैकग्राउंड में जो है येलो और ब्लू टोन आ रहा था, तो वो टोन डालने के लिए हम लोग सिंपली इस फ़ोटो को शेयर कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग इस तीर वाले आइकन पे क्लिक करके इस फ़ोटो को शेयर कर लेंगे लाइटरूम मोबाइल में। सिंपली यहाँ से हम लोग लाइटरूम मोबाइल में शेयर कर लेते हैं इस फ़ोटो को। और शेयर करने के बाद सिंपली ऐसे ऊपर से स्क्रॉल करेंगे, और यहाँ पे एक लाइटरूम का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सिंपली हम लोग इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपकी ये फ़ोटो ऑल फोटोज में आ जाएगी। सिंपली यहाँ से हम लोग ले लेते हैं इस फ़ोटो को। और येलो और ब्लू टोन डालना काफ़ी सिंपल है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली ऐसे चले आएंगे, और यहाँ पे आपको एक कलर्स का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे। और क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ से हम लोग मिक्स्ड टूल में चले जाएंगे। और यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे ग्रीन कलर को ले लेना है। और लेने के बाद इसकी ह्यू को हम लोग फुल्ली एकदम डिक्रीज कर देंगे। और डिक्रीज करने के बाद साथ ही आपको सैचुरेशन को इंक्रीज कर देना है। और इंक्रीज करते ही आपके बैकग्राउंड में है जो येलो टोन आ जाएगा। और इसको और ब्लू टोन डालने के लिए हम लोग इस ब्लू कलर को यहाँ से ले लेंगे। और लेने के बाद क्या करेंगे, इसकी सैचुरेशन को हम लोग फुल कर देंगे, और ह्यू को थोड़ा सा माइनस साइड में रखेंगे, तो काफ़ी सही लग रहा है हमारी फ़ोटो। और यहाँ से हम लोग यहाँ से आपको इस वाले कलर को ले लेना है जो ये वाला कलर है, और इसकी सैचुरेशन को हम लोग डिक्रीज करेंगे और ल्यूमिनेंस को इंक्रीज करेंगे, और इससे हमारी फेस जो है वाइट हो जाएगी और काफ़ी सही लगेगा। तो इतना सारा सेटिंग करने के बाद सिंपली यहाँ से हम लोग डन कर देते हैं।
और डन करने के बाद इसके नीचे वाले ऑप्शन को हम ले लेंगे और यहाँ से इसकी क्लियरिटी को हम लोग थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे और डिहाइस को भी हम लोग इंक्रीज कर लेंगे और सिंपली यहाँ से इसके नीचे वाले ऑप्शन में चले जाएंगे हम लोग और शार्पनिंग को हम लोग ऐसे इंक्रीज कर लेंगे और नॉइस रिडक्शन को भी हम लोग इंक्रीज कर लेंगे 40 कर लेंगे और कलर नॉइस रिडक्शन को हम लोग 20 कर लेंगे। देन गाइज इतना सारा सेटिंग करने के बाद आपकी फ़ोटो जो है एक काफ़ी अच्छे एडिट हो चुकी है और लग नहीं रहा कि ये फ़ोटो जो है ब्लर इसका देख रहे हैं DSLR जैसा ब्लर हो चुका है। और इस फोटो को सेव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, शेयर वाले आइकन पे क्लिक कर देंगे और इस फोटो को हम लोग सेव टू डिवाइस कर देंगे और ये हमारी फ़ोटो जो है गैलरी में सेव हो रही है। आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम।